जिन छात्रों को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है उन्हें मुंबई में बिना अपॉइंटमेंट सीधे वैक्सीन लगाई जा रही है। अब ये छात्र मांग कर रहे हैं कि दूसरी वैक्सीन के बीच का जो समय है वो घटाया जाए ताकि ये दोनों वैक्सीन लगवाकर पढ़ाई के लिए विदेश जा सकें। बिना वैक्सीन लगवाए विदेश जाना मुश्किल है। जिन छात्रों का किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है उन्हें वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के लिए बीएमसी ने 3 दिन 31 मई 1 जून और 2 जून निर्धारित किए थे। मुंबई के राजावाड़ी कूपर और कस्तूरबा अस्पताल में इन छात्रों को वैक्सीन लगवाई गयी। छात्रों को वैक्सीन फ्री लगाई गयी और बिना अपॉइंटमेंट के लगाई गयी, पर कुछ छात्रों ने वैक्सीन सेंटरों पर मिसमैनेजमेंट की शिकायत की है। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया है वो यहाँ पर वैक्सीन की उम्मीद से आए हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स बीएमसी से नाराज भी हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अच्छी तरीके से यहाँ पर सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, घंटों स्टूडेंट्स को यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है उन्हें वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कूपर हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है उनका बराबर, तो वहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर आ गए। मैं यूएस जाने वाली हूँ फॉर माय फर्दर स्टडीज और खूब कस्तूरबा हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सब सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह सब अच्छे से रखा है। दे इवन लाइक लोग पानी के लिए भी पूछ रहे थे तो सब अच्छा था, बट कूपर हॉस्पिटल में जब हम गए थे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। अब छात्रों के सामने दूसरी चिंता वैक्सीन की दूसरी डोज की है। छात्र चाहते हैं कि दो वैक्सीन की डोज का गैप घटाकर कम किया जाए ताकि वो दोनों वैक्सीन लगवाकर विदेश पढ़ने जा सके। अगर सेकेंड डोज भी अगर जल्दी 42 डेज में अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा और देन हम पूरा वैक्सीनेशन लेके जा सकते हैं। वी गेट टू नो इन अगस्त वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, लाइक तब जाके हम दो डोज नहीं ले सकते तो टाइम लग जाएगा, तो इट्स बेटर टू टेक इट बिफोर एंड बी सेफर। एफर्ट डाला जा रहा है, स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो यस सेकेंड डोज मिलने में जो है टाइम पीरियड उनको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑफकोर्स इफ मेडिकली अगर सुटेबल है। बीएमसी ने कहा है कि वो केंद्र से अपील करेगी कि विदेश जाने वाले छात्रों के लिए संभव हो सके तो वैक्सीन की डोज का समय घटाने की अनुमति दी जाए। जो स्टूडेंट्स इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, उन्हें वैक्सीन देने की प्रक्रिया मुंबई में शुरू हो चुकी है। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की कमी होने की वजह से स्टूडेंट्स नाराज है, बट कई ऐसे सेंटर्स मुंबई में हैं जहां पर वैक्सीन दिया भी जा रहा है। अब स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड कंसर्न ये है कि उन्हें जल्द से जल्द सेकेंड डोज मिले ताकि वो सुरक्षित होकर विदेश जा सके। अब बीएमसी ने भी इस चीज के लिए निवेदन दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।